देखिए, जेल में लगातार जांच के बार बार हमारी तरफ से भी और जेल के अथॉरिटीज़ की तरफ से भी जेल में लगातार जांच की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये सही है कि हर बार कुछ ना कुछ मोबाइल मिल रहे हैं। जेल अथॉरिटीज़ भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल वहाँ नहीं पहुँचे। हमारे स्तर पर हम जब भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है, हम रेड करते हैं, चेक करते हैं जेल अथॉरिटीज़ के सहयोग से, और जब भी मोबाइल मिलते हैं उनमें कार्रवाई की जा रही है। पिछली बार भी, अभी हमारे इस वर्ष जो है, लगभग 9 लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। उसमें 12 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 7 पर कार्रवाई हो चुकी है, 7 मुकदमे चालान हो चुके हैं। तो हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा भी जब भी हमें सूचना मिलेगी, हम जेल में इस तरह की कार्रवाई सर, जारी जैमर रखेंगे। लगने के बावजूद भी सिम जेल में जो मतलब जैमर लगे हैं, वो जैमर चल नहीं रहे हैं। जैमर लगाने वाली जो कंपनी है, जो कि एक PSU है, मतलब सरकारी कंपनी के द्वारा ही जैमर लगाया गया था, उन्होंने मना कर दिया है कि हमारा जैमर जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो जाने के कारण उनका जैमर जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। सर, इतनी सुरक्षा के बाद भी जेल में मोबाइल पहुंच रहे हैं, किसी का फोन नहीं? देखिए, अभी रिसेंटली ACB ने कार्रवाई की थी, उस बारे में भी लगातार जांच चल रही है कि क्या लोगों की मिलीभगत से पहुंच रहे हैं वहाँ पर। और इसमें जब भी किसी की मिलीभगत सामने आई है तो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। और पुलिस के पास भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि कोई जेल की अथॉरिटीज़ मिलकर के ऐसा कर रहे हैं, तो हम जो उसमें लीगल कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे।